हाय फ्रेंड्स, आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अगर आप दुबई जाने का प्लान बना रहे हो या दुबई के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है और आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। दुबई यानी सपनों की शहर। आप जब भी यहाँ पर जाएंगे तो एक अलग ही माहौल में आपने आपको पाएंगे। दुबई की पॉपुलरिटी का पता इसी बात से चलता है कि यहाँ रहने वाले लोगों में से सिर्फ 15% ही यहाँ के निवासी है, जबकि बाकी दूसरे देशों के निवासी है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको दुबई के उन फेमस जगहों के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ जाए बिना आपकी दुबई ट्रिप अधूरी रह जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिर्फ दबाए लाल बटन और उसके साथ घंटे का निशान। नंबर 1, बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा दुबई की मोस्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली दुबई की ये बिल्डिंग साइंस और इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। 828 मीटर ऊंची इस बिल्डिंग में टोटल 163 फ्लोर है। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन 2004 में शुरू हुआ था जो ख़त्म हुआ 2009 में। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि आप इसे 90 किलोमीटर दूरी से भी देख सकते हैं। नंबर 2, दुबई मॉल। बुर्ज खलीफा टूर के बाद यू शुड एक्सप्लोर दुबई मॉल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा साथ साथ है। यहाँ पहुँचने के लिए आप मेट्रो से दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन आ सकते हैं। दुबई मॉल के अंदर 1200 रिटेल स्टोर्स है और 200 से ज़्यादा फूड शॉप्स है। शॉपिंग के दीवानों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। नंबर 3, दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू। दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू दुबई मॉल के अंदर ही आप देख सकते हैं। दुबई एक्वेरियम दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम है। इसकी कैपेसिटी 10 मिलियन लीटर ऑफ वाटर है। यहाँ पर आप मैरीन लाइफ का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। नंबर 4, द दुबई फाउंटेन। दुबई मॉल की म्यूजिकल फाउंटेन शो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो शाम को अप्रॉक्स 6:30 के बाद स्टार्ट होता है और रात 10 बजे तक चलता है। म्यूजिक, लाइट और फाउंटेन की डांसिंग कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। नंबर 5, ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज यानी विश्वग्राम एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय स्थान है। इस विलेज में भारत समेत कई देशों के पैविलियन हैं, जिसमें इन देशों की कल्चर को संजोया गया है। इट क्लेम्स टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टूरिज्म, लेजर, शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट। नंबर 6, डेजर्ट सफारी। शाम के टाइम आप डेजर्ट सफारी के लिए जा सकते हैं। इसमें सैंड ड्यून्स में सफारी करी जाती है, जिसका एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और भी एक्टिविटीज़ लाइक कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग आप डेजर्ट सफारी में एंजॉय कर सकते हैं। डेजर्ट सफारी के बाद आप बेली डांस का आनंद उठा सकते हैं। इसका चार्जेस डेजर्ट सफारी पैकेज के साथ ही इंक्लूड होते हैं।
नंबर 7 मिराकल गार्डन। मिराकल गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल फ्लावर गार्डन है। यहाँ पर आप 50 मिलियन से ज़्यादा फ्लावर्स देख सकते हैं। यहाँ पर दुनिया के सभी टाइप्स के फ्लावर से अलग अलग स्ट्रक्चर बनाया गया है जो एक अलग ही दुनिया जैसे दिखती है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज पाम जुमेरा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मैनमेड आइलैंड है। ये आइलैंड पाम ट्री के शेप में है और पूरे दुनिया में बहुत ही फेमस है। यहाँ पर बना हुआ अटलांटिस होटल इज द ओनली 5-स्टार होटल जो किसी मैनमेड आइलैंड के ऊपर बना हुआ है। आप फोटोग्राफी के लिए यहाँ जा सकते हैं, इसके लिए कोई एंट्री फी नहीं है। ये आइलैंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वेल कनेक्टेड है, इंक्लूडिंग मोनोरेल। नंबर 9 बुर्ज अल अरब। बुर्ज अल अरब दुनिया का पहला 7-स्टार होटल है और सबसे एक्सपेंसिव भी। ये होटल भी एक मैनमेड आइलैंड के ऊपर ही बनाया हुआ है। नंबर 10 दुबई बीचेस। दुबई में दो तरह के बीच है, पब्लिक एंड प्राइवेट। मोस्ट पॉपुलर पब्लिक बीचेस आर जुमेरा बीच, लामेर, काइट बीच एटसेट्रा, जहाँ पे तरह तरह के वाटर स्पोर्ट्स के आप आनंद ले सकते हो। जुमेरा बीच और काइट बीच से आपको बुर्ज अल अरब भी देखने को मिलेगा। दोस्तों ये जगह के अलावा दुबई में और भी कुछ मस्ट विजिट प्लेसेस भी है जहां आपको एक बार ज़रूर जाना चाहिए, जैसे दुबई मरीना, फ्यूचर म्यूजियम, मॉल ऑफ एमिरेट्स, इबन बतूता मॉल, गोल्ड सुक, दुबई फ्रेम एट्सेट्रा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। Thank you.